गाड़ियों का ये काफिला निकला है भारत और नेपाल के बीच दोस्ती का नया पैगाम लेकर। 30 गाड़ियों के इस काफिले में 100 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हैं, जो अपने 10 दिनों के भ्रमण में करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पहली बार हो रही इस भारत नेपाल मैत्री मोटर रैली को लेकर सभी प्रतिनिधि काफी उत्साहित हैं। इंडो नेपाल मोटर रैली का काफिला झारखंड की राजधानी रांची से निकल चुका है और इसमें कई गाड़ियों का काफिला और एक मैत्री का संदेश देने के जरिए इस रैली के जरिए की जाएगी। यात्रा के तीसरे दिन रविवार को रैली रांची से रवाना हुई और फिर झारखंड के हजारीबाग से होते हुए बिहार में बुद्ध की धरती बोधगया पहुंची। मैत्री का संदेश देने निकले इन प्रतिनिधियों ने शांति का संदेश देने वाली इस धरती को भी नमन किया। जगह जगह लोगों ने भी मोटर कार रैली का अभिवादन किया। हम लोग फ्रेंडशिप का संदेश लेकर निकले हैं। वी आर स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम पुरी दैट विल बी एंडिंग अप इन दिल्ली वाया नेपाल। सो इट्स अ इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रैली। इट्स नॉट अ कंपटीशन, इट्स अ फ्रेंडशिप रैली। 27 फरवरी को ओडिशा के पुरी से शुरू हुई ये मोटर कार रैली झारखंड और बिहार होते हुए नेपाल पहुंचेगी और फिर 8 मार्च को दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचकर इसका समापन होगा। सड़क परिवहन के क्षेत्र में भारत और नेपाल के सहयोग को बढ़ावा देने और यातायात सुरक्षा के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य संस्थाओं की तरफ से इस मोटर कार रैली का आयोजन किया गया है। भारत और नेपाल के बीच मैत्री का संदेश देने के लिए निकला ये काफिला आज बिहार से गुजर रहा है और इनके साथ काफिलों में आज लोगों का उत्साह भी काफी देखने को मिला। जगह जगह लोग इनका हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे थे और साथ ही साथ एक जोश और उमंग इस रैली के दौरान खूब देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए अपने सहयोगी आनंद प्रकाश के साथ मैं सुधाकर कुमार,